वेलकम टू मूवीज़ क्लिक। आज बात करेंगे एक ऐसी मूवी की कहानी के बारे में जिसमें एक इंसान आइलैंड पर फंस जाता है और वो वहाँ 4 साल तक रहता है, और वो वहाँ पर कैसे फंसता है और वहाँ उसके फंसने के बाद वो कैसे उस जगह से वापस आता है और उसे खाने के लिए वहाँ पर क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सब आज हम इस मूवी की स्टोरी में देखेंगे। तो चलिए मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। ये मूवी चक नोलैंड की सच्ची कहानी के ऊपर है, जो एक कंपनी है फेडेक्स, उस कंपनी में काम करता है और वो कुरियर वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा टाइम का पाबंद है अपने काम के लिए और उसे दूसरे देशों में अपने काम के लिए जाना पड़ता है। यहीं पर चक की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है, पर लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, इस वजह से उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उस लड़की का नाम कैली होता है। अब चक को मलेशिया जाना है, लेकिन तभी क्रिसमस आ जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकना चाहती है, पर लेकिन वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। उसमें कैली उसे अपनी एक घड़ी देती है जिसमें उसका फ़ोटो लगा हुआ होता है। उसके बाद चक मलेशिया के लिए चला जाता है और वो मलेशिया जिस फ्लाइट में जाता है वो एक प्राइवेट फ्लाइट होती है जो उस कंपनी की है, जिसमें 4-5 लोग ही आ सकते हैं। लेकिन तभी प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर से गुजर रहा होता है तो एक बहुत भयंकर तूफान आता है जिस वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है और वो सब पूरा प्लेन बर्बाद हो जाता है और वो जहाज़ नीचे समुद्र में गिर जाता है। उसके गिरने के बाद सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है सिवाय एक इंसान के, वो होता है चक। वो एक हवा से भरी नाव पर बैठ जाता है और लहरें उसे एक टापू पर ला के छोड़ देती हैं। सुबह वो जगता है तो देखता है कि वह अकेला ही उस टापू पर है। उस टापू पर बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं और जंगल होता है, पर लेकिन कोई इंसान नहीं होता। वो चारों तरफ आवाज़ लगाता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो समुद्र के किनारे अपने पैरों से बड़ा बड़ा हेल्प लिख देता है जिससे कोई जहाज़ उसके ऊपर से जाए तो उसे बचाने के लिए नीचे आ सके, पर लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। रात में लहरों से वो हेल्प जो लिखा है वो पूरी तरीके से मिट जाता है। लेकिन फिर अब वो बड़े बड़े लकड़ियों के टुकड़ों से हेल्प लिखता है क्योंकि उसे पता है उसे कोई ना कोई ढूंढने ज़रूर आएगा, और आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। उसके जहाज़ के टूटने के बाद उसकी कंपनी का बहुत सारा सामान वहाँ पर आ जाता है जिसे वो बटोरना स्टार्ट कर देता है, पर लेकिन उसमें कोई भी उसके काम का और खाने का सामान नहीं होता है। उसे चारों तरफ नारियल के पेड़ दिख रहे थे, वो सोचता है कि इनसे पानी ही पी लिया जाए, पर लेकिन नारियल को तोड़ तो लिया लेकिन उनसे पानी निकालना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। वो बहुत सारा ट्राई करने के बाद आखिर में कामयाब हो ही जाता है और वो नारियल से पानी पी लेता है और ऐसे ही टेक्निक को बार बार अपनाता रहता है। उसके बाद चक अपने पैरों पर अपने पैंट को फाड़कर लगा लेता है क्योंकि वो एक ऊंचे से पहाड़ पर चढ़ना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आखिर वो कौन सी जगह पर है, लेकिन वो उस पहाड़ पर जाता है तो उसे समुद्र में एक चीज़ दिखाई देती है। वो दौड़कर उसी चीज़ के पास आता है तो देखता है वो उसके प्लेन का पायलट होता है जो कि मरा हुआ है। चक उसके पास से अपने ज़रूरत का सामान ले लेता है, वह उससे जूते और टॉर्च निकाल लेता है और उसे दफना देता है। अब चक को उस टापू पर बहुत सारा समय हो गया है और वो धीरे धीरे उस टापू पर जीना सीख रहा है। उसे पानी पीना आ गया है कि कैसे उस पानी को नारियल में डालना है और उसे स्टोर करके रखना है। वो मछली पकड़ना भी सीख चुका है और यहाँ तक कि उसे केकड़े को भी पकड़कर खाना पड़ता है बहुत बार। एक दिन चक डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। वो अपनी एयरबोट को तैयार करता है और उसमें हवा भरने के बाद चल देता है, पर लेकिन ऊंची ऊंची लहरें इतनी ज़ोर से होती हैं कि उसे वापस से टापू पर ही धकेल देती हैं। लेकिन इसी दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है और उससे बहुत सारा खून निकलने लगता है। लेकिन वो जब टापू पर आता है तो एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और वो एक गुफा में जाकर सो जाता है, लेकिन वो सोते समय टॉर्च जलाकर सो जाता है जिस वजह से उसके पूरे सेल वीक हो जाते हैं और अब उसके पास रोशनी के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। एक दिन चक अपने सभी बॉक्सेस जो फेडेक्स कंपनी के हैं उनको खोलकर देखता है तो उसमें उसे बहुत सारा बेफालतू का सामान मिलता है जो उसके कोई काम का नहीं है। एक तो सामान ऐसा है जो उसके काम का है, उसमें एक फुटबॉल मिलती है और उसमें एक जूते मिलते हैं जिन पर नीचे ब्लेड लगे होते हैं। उसी ब्लेड की मदद से वो नारियल से पानी निकालने की भी कोशिश करता है और उसी ब्लेड से वो लकड़ी को आगे से पहना करके मछली और केकड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो पूरे तरीके से कामयाब हो जाता है। और लेकिन अब वो उन केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता है, उसे आग जलाने की ज़रूरत है लेकिन उसे आग जलाना नहीं आता है। वह आग जलाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से बहुत सारा खून निकलने लगता है
उसे बहुत सारा गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। एक दिन वो नारियल छील रहा था तो उसे आइडिया आया कि अगर वो लकड़ी को आगे पीछे घिसे तो उससे आग जल सकती है। पहले जो चक ट्राई कर रहा था उस वजह से तो उसके हाथों में भी बहुत सारी चोट लग गई थी और खून निकलने लगा था। वो फिर ऐसा ही करता है और फाइनली आग जला लेता है। आग जलाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और नाचने लगता है। उसके बाद चक के पास एक फुटबॉल होती है जिस पर उसका खून लगा होता है। वह उसमें आँख नाक कान वगैरह बना देता है और उससे बातें करने लगता है। उसके पीछे विल्सन लिखा होता है तो वो उसे विल्सन के नाम से ही पुकारता है। अब उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है, वह सिर्फ विल्सन से ही सारा दिन बातें करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और चक को उस टापू पर 4 साल से ज़्यादा हो जाते हैं और उसका पूरे तरीके से हुलिया बदल चुका है। वो पहले मोटा हुआ करता था लेकिन अब वो पतला हो गया है और उसकी दाढ़ी और बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं। उसका पूरा भेष आदिवासी जैसा हो गया है और चक इस टापू पर जीना पूरे तरीके से सीख गया है। उसे मछलियों को पकड़ना बहुत ही आसान तरीके से आ गया है। वो दूर से ही लकड़ी मार के मछलियों को पकड़ लेता है और उसे वहाँ पर सोने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वो उस मौसम में पूरे तरीके से ढल चुका है और वो पूरे दिन विल्सन से बातें करता रहता है क्योंकि विल्सन उसका पूरे तरीके से बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका है। एक दिन चक मछली खा रहा होता है तभी उसे एक आवाज़ आती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे एक स्टील की सीट मिलती है। उसे उस चीज़ से आइडिया आता है कि मैं इस सीट से यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। दरअसल चक को यहाँ से जाने में एक ही दिक्कत हो रही थी, जब भी वो इस समुद्र से जाता तो उसके सामने लहरें इतनी ज़ोर से होती थी कि वह उसे वापस उसी आइलैंड पर पटक देती थी। लेकिन चक अब उस स्टील की टीन को हवा की मदद से अपनी बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और उससे समुद्र को पार करने की कोशिश में लगेगा और वो कई सारे पेड़ों को काटकर एक बेड़ा बनाता है। और वो बेड़ा बनाना इतना आसान नहीं होता लेकिन फिर भी वो बना लेता है और वो डिसाइड करता है कि जब भी हवा का रुख बदलेगा वो यहाँ से उस बेड़े के जरिए निकल जाएगा। और वो इस स्टील की टीन को इस तरीके से हवा के अपोजिट लगाता है जिससे उसकी बेड़ा आगे पानी में बढ़ सके, जैसे पुराने ज़माने में लोग पर्दे लगाकर हवाई जहाज को आगे बढ़ाते थे। वो अपने दोस्त विल्सन को उसी नाव पर रखता है और वहाँ से चल देता है। लेकिन उसे फिर भी बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उनका सामना करने के बाद उन्हें पार कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। चक बहुत टाइम से इस टापू पर अकेला है लेकिन अब वो यहाँ से जा रहा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और उसे आशा होती है कि वो अपने घर ज़रूर पहुँच जाएगा। लेकिन इसी बीच उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे बारिश और तूफान का भी सामना करना पड़ता है लेकिन वो बारिश के पानी को स्टोर करके पीना वो बारिश के पानी को नारियलों में इकट्ठा करके रखता है जिससे उसे बाद में प्यास लगे तो वो पी सके। लेकिन इसी बीच एक और बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। जो उसका दोस्त विल्सन होता है यानी फुटबॉल, वो पानी में गिर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाता है। लेकिन फिर भी चक उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है। वो वापस अपने बेड़े पर आता है और चक बहुत ही ज़्यादा रोता है क्योंकि विल्सन ही उसका एकमात्र दोस्त था जो 4 साल से उसके साथ था। वह उसी से बातें करता था, उसी के साथ अपना पूरा समय निकालता था। वह उसके साथ पूरे तरीके से इमोशनली कनेक्टेड था, इसीलिए उसके जाने के बाद उससे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो रोने भी लग जाता है। लेकिन यहीं पर चक अपना सफ़र जारी रखता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो पूरे तरीके से टूट चुका है और वो अधमरा हो गया है। लेकिन तभी एक कार्गो शिप उसके सामने से गुजरता है और वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। और चक अब घर वापस आता है तो देखता है सब कुछ बदल चुका है क्योंकि सभी लोग ये समझते थे कि चक पूरी तरीके से मर गया है, पर लेकिन वो वापस आ जाता है। चक यहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जो कि उससे शादी करने वाला था, पर वो उसने अब शादी कर ली है और उसके पास एक बेटी भी है। उसकी गर्लफ्रेंड ने चक को एक घड़ी दी थी जो आइलैंड पर भी उसके साथ थी। चक उसे वापस उसे लौटा देता है क्योंकि वो घड़ी उसके ख़ानदान की घड़ी होती है। अब वो उसके साथ रिलेशन में नहीं है तो वो उस घड़ी का कुछ नहीं कर सकता है। वो बोलता है कि परिवार की धरोहर परिवार में ही रहनी चाहिए। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे उसकी गाड़ी वापस लौटाती है जो उसके जाने से पहले उसने उसे दी थी। अब वो उस गाड़ी को लेकर वापस चला जाता है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। भाइयों, वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना जिससे हमारी वीडियो आते ही आपको देखने मिल जाए।